क्या आपने अपने चैनल सब्सक्राइब किया तो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए आपके अपने चैनल को। हमारे देश की सबसे बड़ी कमजोरी है तो वो है भ्रष्टाचार। इसे खत्म करने की कोशिश की जाती रही है। दरअसल घाटों पर स्थित सद्भावना गृह संस्था और न्यू त्रिमूर्ति गृह संस्था के पात्र जो टपरपट्टी धारक मोहम्मद इकबाल सिद्दीकी जैसे कई ऐसे किराएदार हैं जिन्हें न तो SRA के तहत शिफ्टिंग का पैसा मिलता है और न ही किराया, और यहाँ तक उन्हें यह भी कहा जा रहा है कि उन्हें घर भी अगली बिल्डिंग मिलेगा। अगली बिल्डिंग इस तरह से 4 बिल्डिंग वहाँ पे खड़ी हो गई है और उनका ये आरोप है, और मोहम्मद इकबाल सिद्दीकी और उनके सहकारियों का ये आरोप है कि बिल्डर ने अपने हित के लिए अपने लोगों को बिल्डिंग में शिफ्ट कर रहे हैं, ना कि उन लोगों को। किसको अपात्र किया गया है, क्या है पूरा मसला? जी अपना नाम बताएं। सर, मैं मोहम्मद इकबाल सिद्दीकी सद्भावना कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का सदस्य हूँ, जो नित्यानंद नगर घाट कोपर अंधेरी लिंक रोड पे प्रोजेक्ट चालू है, जिसका डेवलपर है लोखंडवाला और रतन बिल्डर्स, और प्रेजेंट अभी वो प्रेजेंट में जो काम कर रहा है वो योगेश मेहता है। तो इसमें क्या हुआ है, जो बोगस लोग हैं, जो उन लोग बोगस लोग हैं, उन लोग को पहले अलॉटमेंट कर दिया गया है, जिनका घर नहीं था उनको घर दे दिया गया है, और जो बहुत से लीगल लोग हैं वो अभी तक बाहर बैठे हुए हैं, और उसमें जो MMRDA में इफेक्टेड हुए, रेलवे पेट्रोल में भी इफेक्ट हुए, रोड कटिंग में हुए, उन लोगों को भी वहाँ पे वही डॉक्यूमेंट लगा के उनको पात्र कर दिया गया, जिसमें जिसकी वजह से जो असली लीगल लोग हैं ना वो लोग बाहर बैठे हुए हैं, और हमारे को यहाँ हमने बहुत इधर उधर भाग दौड़ किया, कंप्लेंट किया, कंप्लेंट करते ऐसे हमने सब रिकॉर्ड्स निकाले, रिकॉर्ड निकालने के बाद में उसमें हमने कंप्लेंट किया 28 तारीख, सर ये 28/12/2015 का मेरा कंप्लेंट है, जो मैंने मुख्य कार्यकारी अधिकारी झोपड़पट्टी पुनर्वसन को किया था, माननीय जिला अधिकारी को किया था, और महानगर पालिका आयुक्त को किया था, और एडिशनल कलेक्टर, अपर जिला अधिकारी अतिक्रमण निष्कासन को किया, उप जिला अधिकारी को किया जो कंपिटेंट अथॉरिटी है, और सहायक आयुक्त को किया, वो भी कंपिटेंट अथॉरिटी है, और वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक को किया। ये 2 साल से मैं हर ऑफिस के टाइम टू टाइम स्टेप बाई स्टेप चक्कर काटने के बाद में कोई डिसीजन जल्दी से नहीं निकल रहा था। उसके बाद में मैंने RTI किया, RTI के बाद में अपील किया, अपील करने के टाइम में तहसीलदार ने मेरा ढाई ढाई तीन तीन घंटा मेरे से उसने बहस किया, मेरे सब क्वेश्चन किए, मैंने उसको सब सब जवाब दिया। उसके बाद भी वो लोग कार्रवाई करने के लिए टाल मटोल करते रहे। उसके बाद में फिर अभी अपना SRA का पुलिस का लेटर वहाँ पे SRA में गया, पुलिस का लेटर जाने के बाद फिर मैंने वो निकलवाया, वहाँ के बगल में SRA की तरफ से ऑर्डर आया 28 अप्रैल 2017 को, ये SRA ने ऑर्डर निकाला उप जिला अधिकारी और सहायक आयुक्त के लिए ऑर्डर निकाला। उसमें ऑर्डर में उसने साफ साफ लिखा, शासन पत्र निर्देश अनुसार कागज आधारित विषयांकित योजना झोपड़पट्टी पात्र धारक निष्पन्न झाल्यास पात्र ठरलेल्या झोपडी धारकांवर पात्रता रद्द करण्याची कारवाई करून त्यांच्या विरुद्ध तत्काल गुन्हा दाखल संबंधित पोलीस ठाण्यात कलम 3Z(2)6 अन्वये दाखल करणे अपेक्षित आहे। प्रस्तुत गुन्ह्यास अधिनियम जमील अहमद मेजवी है, और मैं नित्यानंद नगर घाटकोपर वेस्ट में रहता हूँ। SRA का काम वहाँ पर चालू है और 2 बिल्डिंगें बन चुकी है वहाँ पर, जिसमें बहुत से लोग जो अपात्र हुए वो पात्र होके उसमें शिफ्ट हो गए ले, और बहुत से लोग बोगस एविडेंस लगाए हुए हैं वो भी उसमें, उनको भी अलॉटमेंट दिया गया, और जो रियल है वो अभी तक बाहर है। उनको कंडीशन है, आपको मिला नहीं? मिला नहीं? मिला नहीं? मिला नहीं? किसको दोषी मानते हैं आप? चीफ प्रमोटर को। चीफ प्रमोटर क्या नाम है? चीफ प्रमोटर, चीफ प्रमोटर का नाम है वसी खान। वसी खान क्यों ऐसा कर रहे हैं? वो अपने अपने आदमी लोगों को लेके पूरा बिल्डिंग भर दिया उसने, और जो बाहर रियल जो है वो